आज मैं आपके लिए लाई हूँ 5 मिनट में 50 से ज्यादा मोमोज बनाने की निंजा टेक्निक। जी हाँ, आज से पहले आपने ये आइडिया कभी नहीं देखा होगा। और साथ के साथ बनाएंगे तीखी वाली मोमो चटनी। पर आज के मोमोज होने वाले हेल्दी। लो जी, अब आप बोलोगे मोमोज और वो भी हेल्दी, ये कैसा मजाक है। पर हाँ, आज हम इसे बनाने वाले हैं आटे से और साथ में करेंगे खूब सारी सब्जियों की फिलिंग। तो सबसे पहले मैंने सोया लिया है, यानी कि न्यूट्रेला, जो भी आप बोले सोया चंक्स, उसको गर्म पानी में भिगो दिया है। क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग भिगा सकते हैं, जितनी क्वांटिटी पसंद है। साथ में ही मैंने लिया है यहाँ पर गाजर, शिमला मिर्च। तो जितनी भी सब्जियाँ मेरे पास अवेलेबल थी मैंने वो डाली। अगर आपके पास कैबेज वगैरह कुछ भी कोई और सी सब्जी हो या पनीर की फिलिंग करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हैं। तो गाजर को मैंने छील लिया है, शिमला मिर्च के बीज निकाल लिए। सबसे पहले हम दोनों चीजों को ना ग्रेट कर लेंगे। तो बिल्कुल बारीक वाले ग्रेटर से मैंने ग्रेट किए दोनों को, यानी शिमला मिर्च और गाजर को। उसके बाद एक कोई सा भी कपड़ा ले लें, सूती कपड़ा जिसे बोलते हैं, जिससे इनका जो मॉइस्चर है वो अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ पर हम इसे देखिए दबा दबा के निकाल लेंगे, कितना सारा रस था शिमला मिर्च और गाजर में। तो इसको निकालने के बाद जो है ना, ये एकदम बॉल जैसा बन जाएगा, यानी कि इसका मॉइस्चर पूरा निकल जाएगा। तो इस तरीके की फिलिंग आप मोमोज में रखेंगे ना, तो उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा, प्लस बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहेगा। साथ के साथ यहाँ पर सोया बड़ी जो हमने भिगोई थी अच्छे से भीग चुकी है, निचोड़ करके इसको जो है मिक्सर जार में डालेंगे। उसके बाद इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। तो अब बनाते हैं मोमो की फिलिंग। थोड़ा सा तेल लिया है 2 चम्मच के करीबन, एक मीडियम साइज का प्याज काट के डाला है बारीक, और ये सारी सब्जियों को ना एक साथ डाल देंगे। फिर डाल देंगे छोटा चम्मच नमक, लाल मिर्च और थोड़ी सी काली मिर्च, बस यही डालना है। और इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है हाई फ्लेम पर। 2 से 3 मिनट में फिलिंग एकदम रेडी हो जाएगी। तो ये फायदा होता है सब्जियों को निचोड़ करके डालने का, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और 2 मिनट में तैयार हो जाती है हमारी फिलिंग, क्योंकि बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहता, इसलिए आपको सुखाना भी नहीं पड़ता ज्यादा। बस इसमें हम ज्यादा कुछ मटेरियल नहीं लगाएंगे। तो ये देखिए, ये इतनी जल्दी तैयार हो चुकी है एकदम परफेक्ट मोमो स्टफिंग। आप अपने अकॉर्डिंग किसी की भी स्टफिंग बना सकते हैं अपने चॉइस से। इसको ठंडा करने साइड कर देंगे। अब लगाएंगे डो। तो 2 कप मैंने आटा लिया है, नॉर्मल आटा है रोटी वाला। साथ में डालेंगे 2 चम्मच के करीबन तेल और थोड़ा सा नमक। अच्छे से इसको सूखा मिक्स करेंगे। उसके बाद नॉर्मल पानी से इसका आटा लगा लेंगे, जैसे हम रोटी पराठे के लिए लगाते हैं। बिल्कुल भी ज़्यादा हार्ड ना लगाएं, नॉर्मल ही लगाएं। इसे ढक करके साइड कर देंगे। अब बनाएंगे तीखी वाली मोमो चटनी, जिसके लिए 8 से 10 साबुत लाल मिर्च ली है और 2 टमाटर को ना चीरा लगा के मैंने डाला है। 15 मिनट इसे बॉईल करा है पानी में। उसके बाद इसे निकाल करके ठंडा करने साइड रख देंगे। अब एक बड़ी सी रोटी लेंगे, उसको इस तरीके से बेल लेंगे, मतलब बड़ा पेड़ा। और उसके बाद ना एक छोटी कटोरी बीच सेंटर में रखेंगे मेजर करने के लिए, और थोड़ी थोड़ी दूरी पर ना स्टफिंग रख देंगे। तो यानी कि एक बारी में 6 मोमोज आपके बन जाएंगे, और साथ में बीच वाली कटोरी को हटा के उस जगह पे भी रख देंगे। अब कोई सी भी छोटी कटोरी लें, जिस साइज का आपको मोमो चाहिए हो। तो मैंने यहाँ पर फिलहाल छोटी कटोरी ली है, मतलब चाहे तो आप कटर भी ले सकते हैं। और इस तरीके का जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, उसे निकाल देंगे, और ये जो बाकी के जो मोमोज हमने निकाले हैं ना, इसको जो है ना उठा करके निकाल लेंगे। अब आपको इसकी स्टफिंग कम सी ज़्यादा करनी हो, साइज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए, आप किसी भी साइज में इसको बना सकते हैं। तो फिलहाल ये मैंने मोमोज छोटे बनाए हैं, मतलब छोटे साइज के बनाए हैं। आप बड़े साइज से बना सकते हैं और ज़्यादा बड़ा पेड़ा बेल सकते हैं। तो ये देखिए, अब एक दूसरा तरीका है जिसके लिए मैंने बड़ी कटोरी ली है, उसको इस तरीके से मैंने बेल लिया है। तो मेरे पास जो चकला है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है एक बारी में 3 ही बने हैं। तो किसी भी तरीके से आप किसी भी शेप के मोमोज बना सकते हैं, मैंने अलग अलग तरीके के बनाए हैं। तो इसको मैंने पतीले में पानी रख के ना 15-20 मिनट स्टीम करने के लिए रख दिया है। पानी को पहले से भी मैंने बॉईल करके रखा था। तो ये देखिए, टमाटर के छिलके निकाल लेंगे, और उसके बाद बनाना स्टार्ट करते हैं मोमो की चटनी। तो ये चटनी बहुत ही खास है, इसको स्टोर करके भी रखा जा सकता है, 15 से 20 दिन आराम से चल जाएगी। तो अब क्या करेंगे, मिक्सी जार में ये जो मिर्च है और टमाटर है, साथ में लहसुन लिए, तो 5 से 7 लहसुन की कलियां छील करके डालिए। थोड़ा सा पानी डाल करके ना इसे पीस लेंगे।
अब लेंगे 2 चम्मच तेल, उसमें डालेंगे 2 लहसुन को बारीक काट करके, हल्का सा फ्लेवर देंगे बस, इसको बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं पकाना सब्जी की तरह, बिल्कुल भी इसमें ना सेक नहीं लगना चाहिए, नॉर्मल एक तरीके से चलाना है हमें इसे तेल में, ताकि इसका एक फ्लेवर आ जाए, गार्लिक फ्लेवर। उसके बाद इसमें ये चटनी डालेंगे, साथ में डाला है 1/2 चम्मच देगी मिर्च कलर के लिए, थोड़ा सा 1/2 छोटी चम्मच सोया सॉस, 1/2 छोटी चम्मच विनेगर डाल देंगे, साथ में मैंने नमक भी डाला है। अच्छी तरीके से ना इन सब को कर लेंगे मिक्स। साथ में डाला है 1 चम्मच केचप, तो इससे क्या होगा ना बैलेंस रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी तीखी होगी, तो इसमें केचप ऐड करेंगे ना उसका टेस्ट थोड़ा अलग सा आएगा। तो अब इसे गाढ़ा करने तक पकाने के बाद इसे ठंडा करने रखेंगे। तो ये देखिए ठंडा होने के बाद मोमो चटनी एकदम अपने कलर में आ चुकी है और अपने टेक्सचर में आ चुकी है। तो देखिए 20 मिनट बाद हमारे मोमोज भी बिल्कुल अच्छे से स्टीम हो चुके हैं और एकदम परफेक्ट ये आटे वाले मोमोज बन करके तैयार हो गए हैं। गर्मा गर्म इसे सर्व करेंगे मोमो की तीखी वाली चटनी के साथ। तो आज की रेसिपी आपको थोड़ी बहुत भी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।